हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक और नाटक की, जिसका नाम है एज यू लाइक इट। यह एक कॉमेडी है और इसको प्रकाशित किया गया था 1620 के आसपास। एज यू लाइक इट समरी इन हिंदी। कहानी के मुख्य पात्र ऑरलैंडो या रोलैंड दे बॉयस का सबसे छोटा बेटा है और कहानी का नायक भी। ओलिवर या ऑरलैंडो का बड़ा भाई है। रोजालिंड या ड्यूक सीनियर की बेटी है। ड्यूक सीनियर रोजालिंड के पिता ड्यूक फ्रेडरिक या ड्यूक सीनियर के भाई सीलिया या ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी हैं। एडम या ऑरलैंडो का एडम या ऑरलैंडो का नौकर है। कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कहानी की शुरुआत होती है ऑरलैंडो से या अपने नौकर एडम से अपने भाई ओलिवर की फरियाद करता है कि किस तरह से ओलिवर ने मुझे धोखा दिया। अब इतने में वहाँ पर ओलिवर आ जाता है तो ऑरलैंडो ओलिवर को कहता है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तुमने पिताजी की सारी संपत्ति धोखे से हड़प ली और मुझे संपत्ति से बेदखल कर दिया। अब जैसे ही ऑरलैंडो यह बात करके वहाँ से जाता है तो वहाँ चार्ल्स आ जाता है गप्पे मारने के लिए। अब यह चार्ल्स एक पहलवान है। यह ओलिवर के पास आता है और कहता है कि एक नया ड्यूक आया है, ड्यूक फ्रेडरिक, और इसने अपने भाई ड्यूक सीनियर को निर्वासित कर दिया है, लेकिन उसकी बेटी रोजालिंड को निर्वासित नहीं किया है क्योंकि रोजालिंड ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया की अच्छी दोस्त है। चार्ल्स ओलिवर से यह भी कहता है कि कल मेरी कुश्ती है आपके भाई ऑरलैंडो के साथ। उसे समझाओ कि अपना नाम वापस ले ले, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जान फालतू में गंवा दे। तो ओलिवर कहता है कि मैंने तो बहुत समझाया है उसे, लेकिन वह तुम्हें हराने के फुल मूड में है। अब कहानी की दूसरी ओर सीलिया रोजालिंड को दिलासा दे रही है क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक ने रोजालिंड के पिता को निर्वासित कर दिया। तो सीलिया रोजालिंड से कहती है कि मेरे पिता ड्यूक फ्रेडरिक तुम्हारे पिता जैसे ही तो हैं, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब इतने में कहानी में नौकर आता है और वह इन दोनों से कहता है कि अभी एक कुश्ती का मैच होने वाला है। चार्ल्स, जो कि पेशावर पहलवान है, उसके और ऑरलैंडो नामक एक लड़के के बीच में। अब यह सुनकर सीलिया रोजालिंड दोनों को चिंता होने लगती है ऑरलैंडो के लिए, क्योंकि ऑरलैंडो पेशावर था नहीं जबकि चार्ल्स बहुत ही ख़तरनाक और पेशावर पहलवान था। तो सीलिया और रोजालिंड ऑरलैंडो के पास जाती है और उसे आग्रह करती है कि अपना नाम उस कुश्ती से वापस ले लो क्योंकि चार्ल्स तुम्हें जान से मार डालेगा। लेकिन ऑरलैंडो नहीं माना और वह कुश्ती करने के लिए निकल पड़ा। तो ऑरलैंडो और चार्ल्स के बीच कुश्ती होती है और हैरानी की बात यह है कि ऑरलैंडो वह कुश्ती जीत जाता है। अब इस जीत से रोजालिंड बेहद खुश हो जाती है। कहानी में आगे बताया गया है कि सीलिया और रोजालिंड बात कर रहे हैं और सीलिया रोजालिंड से कहती है कि तुम्हें वो ऑरलैंडो पसंद आ गया है, और रोजालिंड भी कहती है कि हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। अब यह बातें ड्यूक फ्रेडरिक सुन जाता है और अब यह बातें ड्यूक फ्रेडरिक सुन लेता है और इसे लगता है कि अगर रोजालिंड को यहाँ रहने दिया गया तो सीलिया बिगड़ जाएगी। और ड्यूक फ्रेडरिक गुस्से में आ जाता है और रोजालिंड से कहता है कि तुम फौरन यह राज्य छोड़कर चली जाओ। इतना कहकर ड्यूक फ्रेडरिक वहाँ से चला जाता है। अब यह सुनकर रोजालिंड परेशान हो जाती है। सीलिया उसे कहती है, परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी। तो दोनों अपना भेष बदल कर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चली जाती हैं। तो रोजालिंड ने पुरुष का भेष बदला हुआ है और अपना नाम रखा है गैनीमेड, जबकि सीलिया लड़की के भेष में ही होती है, लेकिन किसी और लड़की का भेष उसने बदला होता है। और दोनों सीलिया और रोजालिंड ड्यूक सीनियर, जो कि रोजालिंड के पिता हैं, उनको ढूंढने के लिए फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चली जाती हैं। लेकिन इन दोनों के साथ दरबार का एक पागल टचस्टोन भी उसके साथ होता है। इनकी मुलाकात होती है कुछ चरवाहों से। इन चरवाहों से यह रहने के लिए एक कुटिया मांगती हैं। ड्यूक सीनियर अपने साथियों के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में मज़े से रह रहा है और शिकार कर रहा है।
कहानी में आगे बताया गया है कि ड्यूक फ्रेडरिक को पता चलता है कि रोजालिन महल छोड़कर चली गई है, लेकिन अपने साथ सीलिया को भी लेकर चली गई है। इस बात से ड्यूक फ्रेडरिक आग बबूला हो गया और उसने ओलिवर को महल में बुलाया, क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक लग रहा था कि रोजालिन और सीलिया दोनों को ओलिवर का भाई ऑरलैंडो भगाकर ले गया है, क्योंकि ऑरलैंडो भी राज्य में होता नहीं, वो भी राज्य छोड़कर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला गया होता है। तो ड्यूक फ्रेडरिक ओलिवर से कहता है कि तुम मेरी बेटी को किसी भी कीमत पर वापस ले आओ, लेकिन ऑरलैंडो रोजालिन और सीलिया को लेकर नहीं गया होता है ऑरलैंडो के राज्य छोड़ने की वजह थी उसका भाई ओलिवर, क्योंकि उसे शक था कि उसे उसका भाई मारना चाहता है। तो इस वजह से वो अपने नौकर एडम को लेकर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला गया। कहानी में आगे ड्यूक सीनियर अपने साथियों के साथ खाना खा रहे हैं, वह इतने में वहाँ पर ऑरलैंडो आता है और वो उन लोगों से खाना खाने के लिए मांगता है, लेकिन ड्यूक सीनियर उसे कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम हमारे साथ बैठ करके आराम से खाना खाओ। लेकिन दोस्तों, ऑरलैंडो तो दरअसल एडम के लिए खाना ले जाना चाहता था, भूख उसे लगी थी, तो ड्यूक सीनियर उसे खाना ले जाने के लिए दे देता है। अब ऑरलैंडो एडम के लिए खाना लेकर जा रहा होता है और साथ ही साथ वह कुछ कविता जो उसने रोजालिन के लिए लिखी थी वो पेड़ों पर लिखता चला जा रहा था। रोजालिन और सीलिया भी इसी जंगल में भेष बदल कर रह रही थी, तो जब इन दोनों ने उस कविताओं को देखा तो दोनों सोच में पड़ गईं कि ऐसा कौन हो सकता है इस जंगल में जिसने रोजालिन के लिए कविता लिखी है। आगे ही कहानी में रोजालिन और सीलिया की मुलाकात हो जाती है ऑरलैंडो से, और इनको यह भी पता चल जाता है कि यह कविता ऑरलैंडो ने नहीं लिखी है और पता चल जाता है कि यह कविता ऑरलैंडो ने ही लिखी है। ऑरलैंडो इसे पहचान नहीं पाता क्योंकि दोनों दूसरे भेष में होती हैं। तो इन दोनों ने ऑरलैंडो को अपनी कुटिया में बुलाया और ऐसे इन लोगों के बीच दोस्ती हो जाती है और ऑरलैंडो की कुटिया में आना जाना लगा रहता है। अब वहीं दूसरी ओर ओलिवर ऑरलैंडो को ढूंढने के लिए जंगल में आया, क्योंकि उस पर दबाव था ड्यूक फ्रेडरिक का कि जाओ जाके तुम्हारे भाई को लेकर आओ, उसके साथ मेरी बेटी है। तो वो जंगल में दोनों को ढूंढ रहा है, इतने में उस पर एक शेरनी ने हमला किया और वहीं से ऑरलैंडो गुजर रहा था। उसने देखा, अरे यह तो मेरा भाई ओलिवर है। तो उसने वहां जाकर ओलिवर को उस शेरनी से बचाया और खुद उस शेरनी से लड़ने लगा। यह सब देखकर ओलिवर को काफ़ी शर्म महसूस हुई, क्योंकि वो इसे मारना चाहता था और ऑरलैंडो ने ही उसकी जान बचाई। अब इस हमले में ऑरलैंडो काफ़ी घायल हो चुका था, इसलिए उसने ओलिवर से कहा कि आज मैं उस कुटिया में नहीं जा सकता, मेरी जगह वहाँ तुम चले जाओ, मेरे वहाँ कुछ दोस्त हैं और उनसे कहना कि मैं घायल हूँ इसलिए नहीं आ पाया। ऑरलैंडो ने ओलिवर को अपना खून से सना रुमाल दिया और कहा, यह रुमाल मेरे दोस्त को दिखा देना। अब ओलिवर उस कुटिया में जाता है, वह वहाँ सीलिया को देखता है और सीलिया के प्रेम में पड़ जाता है। और जब वह वापस ऑरलैंडो के पास आ जाता है तो कहता है कि मुझे तुम्हारी एक दोस्त जो कि सीलिया थी पसंद आ गई है और मुझे उसे शादी करनी है। एक बात मैं बता दूं कि इन दोनों ने अभी भी भेष बदला हुआ है। तो ऑरलैंडो यह सुनकर काफ़ी खुश हुआ और कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है। अब जब रोजालिंड और सीलिया को पता चलता है कि ऑरलैंडो घायल है तो वो फौरन उन्हें देखने जाती हैं। ऑरलैंडो रोजालिंड से कहता है कि ओलिवर को सीलिया पसंद आ गई है और वहीं सीलिया भी ओलिवर को जाने लगती है। तो अब तय हुआ कि कल ओलिवर सीलिया की शादी करवा दी जाए। अब यह सब देखकर ऑरलैंडो को रोजालिन की याद आने लग गई। उसने
वहाँ कहा कि काश मेरी रोजालिन मेरे पास होती तो मैं भी उससे शादी कर लेता। तो वहीं रोजालिन, जो कि एक पुरुष के भेष में है, वह ऑर्लैंडो से कहती है कि मेरे पास एक चमत्कारी शक्ति है जिससे मैं रोजालिन को यहाँ ले आ सकता हूँ, फिर तुम दोनों भी शादी कर लेना। यह सब सुनकर ऑर्लैंडो काफ़ी खुश हो गया और उसने कहा कि अगर ऐसा है तो कल उसे लेकर आओ, मैं भी शादी कर लूँगा। तो अब कल होती है, शादी का दिन होता है, तो इस शादी में शामिल होने के लिए ड्यूक सीनियर भी आया होता है। और ड्यूक सीनियर को पता चलता है ऑर्लैंडो रोजालिन से शादी करने वाला है, और यह गिनीमेड कुछ चमत्कार करके रोजालिन को यहाँ पर लाने वाला है। तो अब आखिरकार दोनों ने रोजालिन और सीलिया ने अपना असली चेहरा लोगों को दिखाया, और दोनों ने वहाँ सबको बताया कि उसने भेष क्यों बदला था। तब ऑर्लैंडो और ओलिवर का एक और भाई वहाँ पर आता है और कहता है कि ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर पर हमला करने यहाँ आ रहा है। अब जब ड्यूक फ्रेडरिक आ रहा होता है तब उसे एक साधु मिलता है और उनकी बातों की वजह से वह उस साधु के शरण में चला गया और अपना सारा राजपाट अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को वापस सौंप दिया। और इसी के साथ कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह एज़ यू लाइक इट की समरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।